यूपी में एक परिवार एक पहचान, सीएम योगी ला रहे फैमिली आईडी योजना। उत्तर प्रदेश में हर परिवार का होगा विकास। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है ताकि प्रदेशवासियों को विकास से पूरी तरीके से जोड़ा जा सके, हर एक परिवार को हर एक योजना का फायदा मिल सके। इसके लिए सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैमिली आईडी योजना की समीक्षा बैठक करने के बाद अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि इस योजना के तहत प्रदेश में रह रहे सभी परिवारों को लाइव डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिसके आधार पर उन्हें राज्य और केंद्र सरकार की हर योजनाओं का सीधा लाभ मिल सकेगा। सीएम योगी ने कहा, हर परिवार के पास फैमिली आईडी कार्ड होना चाहिए। ये कार्ड हर परिवार के जरूरत को पूरा करने का माध्यम बनेगा। इसके जरिए हर वंचित और गरीब को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा, फैमिली आईडी कार्ड ईज ऑफ लिविंग गुड गवर्नेंस का आधार बनेगा। चलिए आपको बता दें कि इस कार्ड से कैसे हर परिवार को फायदा मिलेगा। हर परिवार को सरकार की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के साथ ही प्रत्येक परिवार के कम एक व्यक्ति को रोजगार सेवा योजना से जोड़ने के संकल्प के तहत आईडी जारी की जाएगी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में निवासरत लगभग 3.60 करोड़ परिवार और 15.07 करोड़ लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ पा रहे हैं। इन परिवारों की राशन कार्ड संख्या ही फैमिली आईडी है, जबकि 1 लाख से अधिक गैर राशन कार्ड धारकों को फैमिली आईडी जारी की जा चुकी है। ऐसे परिवार जो कि राशन कार्ड धारक नहीं है, उनके लिए वेबसाइट पर पंजीयन कर परिवार आईडी प्राप्त करने की व्यवस्था है। एक परिवार एक पहचान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान जारी किया जा रहा है, जिससे राज्य के परिवार इकाइयों को एक लाइव व्यापक डाटाबेस स्थापित होगा। केंद्र और राज्य सरकार संचालित 76 योजनाओं सेवाओं को फैमिली आईडी से लिंक किया जा चुका है। सभी लाभार्थी योजनाओं को परिवार आईडी से लिंक किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1।